हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ब्रेकफास्ट रेसिपी के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट कैसा हो, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स रहे और कितना रहे, इसके बारे में शेयर करूँगी। हर घर का एक सवाल होता है सुबह सुबह, आज ब्रेकफास्ट क्या बनेगा या लंच में क्या बनेगा। इसके लिए तो मैं वीकेंड पर ही प्लान कर लेती हूँ। प्लानिंग करते समय अपने बच्चों का भी सहयोग लेती हूँ, वो क्या खाना पसंद करेंगे। और मीन सातों दिन का मील प्लान करने के बाद मैं उसी दिन जो भी रेशनिंग होती है या जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने होते हैं मैं ले लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह सुबह ये झंझट ना रहे कि क्या बनाना है और पूछने का भी ज़रूरत ना पड़े। बच्चों को भी पता होता है आज मुझे ब्रेकफास्ट में क्या मिलना है। ब्रेकफास्ट प्लान करते समय मैं ये विशेष ध्यान रखती हूँ कि ब्रेकफास्ट हेल्दी हो। हेल्दी इन द सेंस कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी हो, बच्चे के पसंद का भी हो, कलरफुल भी हो, ताकि वो बस पसंद से खाएं। जब ब्रेकफास्ट आप हेल्दी और टेस्टी ले लेते हैं, लंच कमज़ोर भी रहे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसका विशेष ध्यान रखती हूँ ताकि बच्चे को अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाए। और ख़ासकर हम लोग डिनर बहुत जल्दी लेते हैं, 8 बजे तक, रात में 7:30 और 8 के बीच में हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट का टाइम होते होते काफ़ी लंबा गैप हो जाता है। और अगर उसमें भी अगर हेल्दी ना रहे तो डाइट बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट पे विशेष ध्यान देती हूँ। और इसी के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने 7 डेज़ के लिए क्या क्या रेसिपी तैयार किया है इस वीक में, और वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। हमारा पहला ब्रेकफास्ट आइटम है वेजिटेबल पोहा। ठंड के सीजन में वेजिटेबल पोहा बहुत ही अच्छा आइटम माना जाता है। इसमें आप सीजन में मिलने वाले हरी साग सब्जी, मटर, गाजर, शिमला मिर्च आदि का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है। साथ में ही आप हल्का मसाला डाल दें ताकि ये चटपटा भी हो जाए और आपको पोहे से अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा। इसके साथ आप चाहे तो फलों का बना हुआ स्मूदी भी ले सकते हैं, जिससे एक पूर्ण रूप से बैलेंस डाइट में हो जाएगा। हमारा दूसरा आइटम है मूजली या कॉर्नफ्लेक्स। मूजली में पहले से ही फ्रूट्स एंड नट्स मिले होते हैं। आप कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं, जिसमें आप ऊपर से फ्रूट्स नट्स डाल सकते हैं। यहाँ मैं मूजली ले रही हूँ मिल्क के साथ। आप चाहे तो योगर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऊपर से आप कुछ फल अपने पसंदीदा डाल सकते हैं ऐसा, और हनी या चीनी के साथ आप ले सकते हैं। हमारा अगला रेसिपी है ब्रेड बटर। ब्रेड बटर एक बैलेंस्ड डाइट में माना गया है। यहाँ अगर आप एग नहीं पसंद करते हैं तो आप चाहें तो पनीर के साथ सैंडविच बना सकते हैं और मिक्स फ्रूट लें साथ में 1 कप दूध, तो ये पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाता है। हमारी अगली रेसिपी है चीला। चीला यहाँ मैं सूजी यानी रवा से बनाती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा बेसन भी डाल दूँगी। बेसन डालने से ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं। और डो बनाते समय दही का प्रयोग करती हूँ। दही का प्रयोग से अच्छा फर्मेंटेड आता है और स्वाद भी अच्छा आता है। और आप जो पसंद आपकी सब्जी हो, पसंद की सब्जियाँ इसमें डालें। और इसमें सब्जी डालने से सारे न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं। आप सूजी से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, बेसन से प्रोटीन और साथ में सब्जियों से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये एक बैलेंस डाइट हो जाता है और सुबह में आप इसे चाहे तो किसी स्मूदी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगली रेसिपी जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है मेथी के पराठे। मेथी के पराठे बनाते समय आटा में थोड़ी सी बेसन मिला लें और साथ में चाट मसाला, गर्म मसाला, लाल मिर्च, नमक
और थोड़ी सी रिफाइन, और मेथी के पत्ते को डाल करके अच्छे तरीके से गून लें और पराठा के रूप में बनाएं। जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि मेथी का पत्ता ये आयरन रिच होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, और साथ में जैसे चूँकि आटा और दाल मिला करके हमने इसे पराठा बनाती हूँ, ये एक बैलेंस हो जाता है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर दही के रायते के साथ, काफ़ी स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी है। आजकल के टीनेजर्स में एक भ्रम पैदा हो गया है डाइटिंग का। उनको लगता है डाइटिंग मतलब ब्रेकफास्ट को स्किप कर जाओ तो आपका डाइट कंट्रोल हो जाएगा, जो बिल्कुल ही गलत है। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें, बल्कि ब्रेकफास्ट काफ़ी हेल्दी और रिच लें। इसमें सारे आइटम्स होने चाहिए आपके शरीर के लिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब जरूरत है, तो उसको अच्छी मात्रा में लेना जरूरी है। यहाँ हमने मेथी के पराठे के साथ गाजर और खीरे का बना हुआ रायता लिया है, साथ में हरे धनिया की चटनी। हमारी अगली रेसिपी है दलिया। गेहूं से बना हुआ दलिया काफ़ी सुपाच्य होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसे चाहे तो आप दूध में मीठी खीर के जैसा भी बना सकते हैं। यहाँ मैं मसाला दलिया बनाने जा रही हूँ। मसाला दलिया में मैं थोड़ी सी दाल मिक्स करती हूँ और हरी साग सब्जियाँ डालती हूँ, ताकि ये बैलेंस भी रहे और स्वादिष्ट भी लगे। दलिये को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें मैगी मसाला डाल दें, इससे थोड़ा मैगी का फ्लेवर आ जाता है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आने लगता है। आप चाहे तो इसी प्रकार से, इसी मेथड को यूज़ करते हुए ओट्स भी बना सकते हैं, मसाला ओट्स, जो कि काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी होता है। आप जैसा जानते हैं कि मसाला ओट्स और दलिया ये पेशेंट को भी आप दे सकते हैं, ये सुपाच्य होता है। अगली रेसिपी है अंकुरित अनाज के चाट। अंकुरित अनाज सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और चना और मूंग जो कि एक दाल के कैटेगरी में आता है, इसे अगर आप थोड़ी सी बॉयल कर दें तो वो सुपाच्य हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन पचने में थोड़ा दिक्कत करता है। और इसमें आप चाहें तो बॉयल्ड आलू और साग सब्जियाँ मिक्स करके अच्छा चाट बनाएं, इससे ये बैलेंस हो जाता है, हेल्दी तो है ही। और इसके साथ आप चाहें कोई फ्रूट्स ले लें और साथ में कोई स्मूदी ले लें, ये हेल्दी और टेस्टी होता है और झटपट तैयार हो जाता है। तो ये थे हमारे 7 दिन के 7 ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो कि हेल्दी, टेस्टी और झटपट तैयार होने वाले हैं। आप भी एक बार बना के देखिएगा कैसा लगा और हमें बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।